जेपी गंगा पथ पर एक बार फिर बेखौफ होकर हथियार के साथ स्टंट करती एक लड़की का वीडियो सामने आया है। दोनों हाथों में हथियार लेकर लड़की उसे लहरा रही है। पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने बताया कि हमने बाइक की पहचान कर ली है, वीडियो मरीन ड्राइव के नाम से प्रसिद्ध जेपी गंगा पथ का है। जल्द ही पुलिस एक्शन लेगी और पुलिस की माने तो बाइक के नंबर की पहचान हो चुकी है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। दरअसल रूही यदुवंशी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें कई सारे रील्स हैं। उसी पर हाल के दिनों में यह वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। जेपी गंगा पथ के फेज 2 का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। कुछ दिन पहले इसी सड़क पर एक दूसरी लड़की का हथियार लहराते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसे पुलिस ने उसे ढूंढकर हिरासत में ले लिया था। हालांकि जांच में वीडियो में लड़की के हाथ में दिख रहा हथियार लाइटर निकला, इसलिए पुलिस ने सिर्फ फाइल करके उस लड़की को छोड़ दिया था। अब देखना यह है कि फिलहाल पुलिस वायरल हुई लड़की के हाथ में जो हथियार जैसे चीज दिख रही है वह क्या है। पुलिस लड़की की तलाश कर रही है। वही वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का बाइक चलाया जा रहा है, जबकि पीछे बैठी लड़की दोनों हाथ में पिस्टल जैसी चीज लहरा रही है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। हाँ, एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें बाइक के पीछे एक लड़की दो हथियार टाइप्स लहरा रही है, तो इसके भी अनुसंधान किया जा रहा है और बाइक का नंबर मालूम पड़ा है, तो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी।